जिस तरह का जो ये एक आवाज उठा रहे हैं गलत सलब उन लोगों के ऊपर, इसको राजनीति में कभी ना लाना चाहिए। ये तो मेरी भावना की बात है। तो हमने हाथ में चाकू था, हम बोले भैया फिर वही बात दोहराएंगे कि जिस दिन मैंने तिलक लगाया था आपका अंगुली काट करके अभी भी निशान है अंगुली कटने का मेरा। तो आप जानते हैं कि हम चाकू मार करके अपने आप को हत्या कर सकते हैं। तो भैया समझे कि नहीं, पवन साजी जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। तो मैंने इनका चरण धो करके पिया, इसमें कौन सी हम गलती की जो आज पूरा मीडिया पूरा लोग पूरा विपक्षी लोग इन इस पर कलंक लगा रहे हैं। ये सरासर गलत बात है, ऐसा कभी ना करना चाहिए विपक्षी लोगों को। और यदि वो लोग करते हैं तो मैं केस करूंगा सारे मीडिया पर सारे लोगों पर। मेरी मन की भावना है ये, और इससे आगे मैं क्या बोलूं। और मैं बड़े भाई के नाते मैंने इनका चरण धो करके पिया, मुझे ना किसी का दबाव है ना किसी का इसमें कोई हाथ है।